Praise the Lord. Hallelujah. God's people, shalom on you. May the Lord Jesus Christ bless you all. सर्वशक्तिमान परमेश्वर यहोवा की ओर से आप लोग को अनुग्रह और शांति निरंतर और लगातार मिलती रहे। एक बार फिर से आप सब लोगों का प्रभु यीशु मसीह के नाम में CMD फेलोशिप लाइव CMD फेलोशिप में आपका स्वागत है। इससे पहले कि हम आज की इस शिक्षा को शुरू करें, हम प्रार्थना में जाएंगे। पवित्र पिता परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से हम आपका धन्यवाद करते हैं नए दिन नई सुबह के लिए जो आपने हमें दी। प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर आज के वचन के माध्यम से आप हमसे बातें करें ताकि हम आपकी बातों को समझ सकें, आपके हृदय को समझ सकें, आपकी योजना को समझ सकें। पिता पवित्र आत्मा हमारी सहायता करें कि बात को सही ढंग से समझा जा सके और ये बात हमारे अंदर जड़ पकड़ने पाए ताकि ये फल पैदा करे और इससे ऐसा फल पैदा हो जिससे परमेश्वर को महिमा मिले और प्रभु यीशु मसीह की कलीसिया उन्नति और तरक्की पाए। प्रभु यीशु के नाम से इस प्रार्थना को हम मांगते हैं, आमेन। एक बार फिर से आप सब लोगों का स्वागत है प्रभु यीशु मसीह के नाम में। और हमारा आज का थीम है पूरा हुआ, पूरा हुआ, इट इज फिनिश्ड। मैं आपको ये वाली बात बताने से पहले बता दूं कि यह संदेश आज ही समाप्त नहीं होगा, मैं भी नहीं कर पाऊंगा। ये 3 बारी में होगा, आज फ्राइडे को, कमिंग संडे एंड हमारी ट्यूसडे की जो सभा होती है उसमें, 3 बारी में। और मैं आप लोगों से ये उम्मीद करता हूं कि आप मेरे साथ जुड़े रहिएगा, बने रहिएगा, इसमें इसे मिस मत कीजिएगा। ये विश्वासियों के लिए खास करके एक अच्छी शिक्षा है पूरा हुआ, और अगर कोई नया व्यक्ति भी इसको सुन रहा है तो उसके लिए भी ये बेनिफिशियल होगी, लाभकारी होगी ये शिक्षा। शिक्षा इस प्रकार से मैं आपको बता देना चाहता हूं पहले ही से ये वाली बात, प्रभु यीशु मसीह का काम पूरा हो चुका है आपके लिए। अब किसी भी विश्वासी को किसी भी प्रकार से बहकने की, भटकने की कोई जरूरत नहीं है। मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा, आप अगर आप मसीह विश्वासी हैं तो आपको सबसे ज्यादा खतरा मसीह सेवकों से ही होगा, आपको गैर मसीही लोगों से खतरा नहीं है, आपको मसीही लोगों से ही खतरा होगा शिक्षा को लेकर के। कन्फ्यूजन पैदा किया जा सकता है और पैदा किए जा रहे हैं कन्फ्यूजन्स। मैं आपको ये वाली बात बता देना चाहता हूं एक विश्वासी को जिसने नया जन्म पा लिया है, प्रभु यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा ले लिया है, आपको इस बात का बिल्कुल ध्यान देने की बहुत सख्त जरूरत है कि आप भविष्य में किसी भी व्यक्ति के, किसी भी सेवक के, किसी भी प्रॉफिट के, किसी भी पास्टर के, किसी के भी संपर्क में आए, वो आपको क्या करने के लिए कह रहा है, क्या सिखा रहा है, क्या आपको बता रहा है, अकॉर्डिंग टू द वर्ड ऑफ गॉड, परमेश्वर के वचन के अनुसार। मैं नए नियम और पुराने नियम दोनों को मानता हूं। मैं इसे कभी कभी अपनी भाषा में, अपने शब्दों में कहता हूं, बाइबल का भाग 1 भाग 2, भाग A भाग B, नया पुराना छोड़ दीजिए। मैं ये कहना चाहता हूं आपको कि प्रभु यीशु मसीह की बातें, परमेश्वर यहोवा की बातें, दोनों का मिलान करना है कि क्या बात आपके जीवन की उन्नति और तरक्की के लिए है, क्या छोड़ दिया गया है, क्या करने के लिए कहा गया है। मेरे साथ निकालिए आप गॉस्पल ऑफ जॉन चैप्टर 19, योहन्ना रचित सुसमाचार उसका 19 अध्याय। हमारा थीम है पूरा हुआ, इट इज फिनिश्ड, नथिंग लेफ्ट बिहाइंड, कुछ बाकी नहीं बचा, इट इज फिनिश्ड। इसका मतलब होता है काम पूरा हुआ। प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर यहोवा का अवतार नहीं था, प्रभु यीशु मसीह सर्वशक्तिमान परमेश्वर यहोवा का अवतार नहीं था। ही वॉज द गॉड, रियल गॉड, टोटली ही वॉज द रियल गॉड। प्रभु यीशु मसीह स्वयं परमेश्वर था। अवतार का मतलब होता है एक काम को पूरा किया, कंप्लीट हो गया, दूसरा काम फिर बाकी है, फिर वापस आना पड़ा अवतार लेकर के। याद रखिएगा, अवतार बार बार लिए जाते हैं, अवतार काम को पूरा नहीं करते। कोई भी अवतार नहीं कह सकता इट इज फिनिश्ड, ओनली गॉड कैन से दिस इट इज फिनिश्ड। जीसस क्राइस्ट वॉज नॉट अवतार, प्रभु यीशु मसीह अवतार नहीं है, याद रखिएगा बिलीवर्स। प्रभु यीशु मसीह ने योहन्ना की इंजील,
उसका 19वां अध्याय 28 पद से 30 पद तक मैं पढ़ रहा हूं, आप लोग निकाल लीजिए। गॉस्पल अकॉर्डिंग टू जॉन चैप्टर 19 वर्स फ्रॉम 28 टू 30th। योहन्ना रचित सुसमाचार उसका 19वां अध्याय 28वीं आयत से 30 आयत तक। मैं इसको जल्दी में नहीं हूं बिल्कुल भी आप लोगों को पढ़ाने में, और आप भी जल्दी में मत रहिएगा। ये एक चेन चलेगी, अभी 2-3 बार चलेगी, शायद 4 बार भी हो सकती है, लेकिन आप इसे अपने जीवन भर के लिए अपनी लाइफ में, अपनी लाइब्रेरी में फिक्स कर लीजिएगा। ये आपके और आपकी पीढ़ियों के काम आएगी, और ये आपके उस काम भी आएगी कि आप झूठे नबियों, झूठे भविष्यद्वक्ताओं, झूठे शिक्षकों, झूठे सेवा करने वालों को भी आप इससे उत्तर दे सकते हैं। झूठे शिक्षक आपको ये दे सकते हैं कि जो काम प्रभु यीशु मसीह ने कर दिया है उसको आपको फिर से करना पड़ेगा। उद्धार का काम, छुटकारे का काम आपको बार बार करने की आवश्यकता नहीं है। प्रभु यीशु मसीह अवतार नहीं था कि उसको बार बार आना पड़े। He was the God, complete God, और उसने एक ही बारी में सब कुछ फिनिश कर दिया आपके और मेरे लिए, उद्धार पाने के लिए, आपके और मेरे लिए पवित्रता पाने के लिए, आपके और मेरे प्रायश्चित करके प्रभु यीशु मसीह पर लहू में विश्वास करने के लिए। कुछ और बाकी नहीं बचा, कुछ करने की जरूरत नहीं है। आपको जितना खतरा बाहर से है उससे ज्यादा खतरा अंदर से है। अभी कुछ दिन पहले मेरे पास फेसबुक पे कोटेशन आया था। आप भी मोबाइल पे फेसबुक पे घूमते रहते हैं, मैं भी घूमता रहता हूं। मैंने एक कोटेशन पढ़ा, एक व्यक्ति ने, परमेश्वर के जन ने लिखा कि जितना ज्यादा खतरा, जितने ज्यादा लोग कोरोना वायरस की वजह से नहीं मर रहे हैं, उससे कहीं ज्यादा लोग मसीह समुदाय में गलत डॉक्ट्रिन की, गलत सिद्धांत की, गलत शिक्षा की वजह से रोज मर रहे हैं। और मैं इस बात से सहमत करता हूं कि यह बिल्कुल सच है। जिन मसीह सेवकों के पास सही शिक्षा नहीं है वो खुद भी मर रहे हैं और विश्वासियों को भी मार रहे हैं। वही काम बार बार करवा करके जो प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस पर करके बोला कि पूरा हुआ, मैंने बिल्कुल नहीं किया। 1990 में मैंने प्रभु यीशु मसीह को जाना था। 1993 तक मैं नया नियम अपने घर में छिप करके पढ़ता रहा, किसी को नहीं पता था, किसी पास्टर की, किसी सेवक की, किसी प्रोफिट की सहायता के बगैर। और परमेश्वर का आत्मा मुझे समझाता रहा, और मैं आपको कॉन्फिडेंशली ये बात बताना चाहता हूं अपने पूरे विश्वास के साथ कि मुझे एक एक बात, रत्ती रत्ती बात समझ में आती थी। कभी कंफ्यूज नहीं हुआ मैं कि ये वाली बात यीशु मसीह ने कही है तो क्या है, क्योंकि मेरे अंदर एक बात थी, मैं जानना चाहता था कि सत्य क्या है। मैंने कुरान पढ़ी है, मैंने बहुत सारे ग्रंथ पढ़े हैं, बहुत सारी किताबें पढ़ी हैं, और लास्ट में जब मैं बिल्कुल निराश होकर के अपने घर में चुपचाप बैठ गया, ये सोच करके कि टारगेट लेस लाइफ हो गई है जीवन में, दुनिया में ऐसे ही आए और ऐसे ही चले जाएंगे बिना किसी बात के, मैं जानना चाहता था कि सत्य क्या है। बहुत सारे धर्म हैं, बहुत सारे पंथ हैं, बहुत सारे गुरु हैं, बहुत सारे रास्ते हैं, लेकिन सब सत्य नहीं है। मैं इस बात को अच्छे से जानता था। मैं आज भी इस बात को कह रहा हूं कि आप और मैं, जितने भी लोग यहां पर बैठ करके सुन रहे हैं, हम सब के सब पास्टर संजीव लाठर नहीं है, मैं अकेला हूं। ठीक उसी तरह से सबको मिला करके पूरी दुनिया कहने के लिए सब बात बहुत कॉमन बात है कि सब बराबर हैं। सब बराबर कहने का मतलब अपना पीछा छुड़ा लेना, क्योंकि आपके पास गट्स नहीं है इस बात को प्रूफ करने के कि सब बराबर नहीं है। मैं कहता हूं कि सब बराबर नहीं है, और मैं प्रूफ कर सकता हूं कि सब बराबर नहीं है। मैं आपको यह बताना चाहता हूं, प्रभु यीशु मसीह ने सब कुछ पूरा कर दिया था, उसके बाद मुझे अपने उद्धार के लिए कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ी। उसके किए गए काम पर विश्वास करने के अलावा मेरे पास कुछ बाकी नहीं बचा। वही बातें यहां पे हमारा जो हेडिंग है पूरा हुआ, लेकिन यहां पर हेडिंग है स्क्रिप्चर के ऊपर यीशु की मौत। अपनी मौत से पहले, प्राण त्यागने से पहले एक व्यक्ति कह रहा है कि तुम्हारा सारा कर्जा चुका दिया गया है, मेरे बाद अगर कोई भी तुमसे कर्जा मांगने आए बिल्कुल मत देना, क्योंकि मैंने तुम्हारा पूरा लोन चुका दिया है। अगर उसके बाद भी आपके ऊपर वो बात असर नहीं करती और आप जाकर के वापस लोन चुकाना चाहते हैं, अगर आप लूटना चाहते हैं तो आपकी मर्जी है, लूटिए, अब आप जाइए, अब आप लूटिए। प्रभु यीशु मसीह ने हमारा सारा कर्ज चुका दिया जो हमें भरना था पाप की मौत से बचने के लिए। यीशु ने कहा सब कुछ पूरा हुआ। सुनिए ध्यान से 28वीं आयत, यीशु की मृत्यु। इसके बाद यीशु ने यह जानकर, उसने जान लिया, प्रभु यीशु मसीह, वो अंतर्दृष्टि और दूरदृष्टि रखने वाले प्रभु यीशु मसीह थे, उनके पास फ्यूचर नॉलेज, पास्ट नॉलेज, प्रेजेंट नॉलेज सब कुछ था।
उसने जान लिया था अपनी आत्मा में कि कुछ बाकी नहीं बचा है, रत्ती रत्ती पूरा कर दिया गया है, कोड़ी कोड़ी भर दी गई है, एक पॉइंट भर भी किसी को देना बाकी नहीं बचा, मैंने सब कुछ चुका दिया है। उसने ये बात जान करके, उसने इस बात को जान लिया था अपने अंतकरण में। प्रभु यीशु मसीह ने अपने सारे काम करने के बाद क्रूस पर लटकते हुए, क्रूस पर लटकते हुए, क्रूस से नीचे नहीं। मेरे प्रिय मसीह भाई बहनों, परमेश्वर आपकी बुद्धि को खोले, पवित्र आत्मा आपकी सहायता करे और यहोवा आपको बुद्धि और ज्ञान का आत्मा दे ताकि आप इस भेद को, इस रहस्य को समझ सकें और आप लाइफ टाइम कन्फ्यूज होने से, चोरी होने से, मिसप्लेस होने से, मिसगाइड होने से, मिसफिट होने से, डिस्ट्रैक्ट होने से बचे रह सकें। मेरा ये दिली आशीर्वाद आपके साथ है कि आपको कोई सेवक, बिलीवर और नॉन बिलीवर बिल्कुल ना ठगने पाए आपको। मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा। अभी थोड़ी देर पहले मैं अपने बेटे के साथ बात कर रहा था कि शैतान और इंसान इस बात के प्रयास में है कि क्रूस पर की घटना को छिपा दिया जाए, उसे ढांप दिया जाए, उसका जिक्र ना किया जाए, उसकी चर्चा तक ना आने पाए। आप यीशु मसीह की बातें प्रचार कीजिए। जैसे आप क्रूस का प्रचार करते हैं, नरक खतरे में पड़ जाता है, शैतान खतरे में पड़ जाता है। वो समझ जाता है कि क्रूस पर मनुष्य जाति की रिहाई के लिए, उसकी आजादी के लिए, उसको सारे हर प्रकार के धार्मिक क्रियाकलापों से बाहर निकालने के लिए सच्ची आजादी मिल जाएगी। और ऐसे लोग भी हैं, ऐसे नबी भी उठ खड़े हुए जो बाइबल के नहीं थे, बाइबल से बाहर के ग्रंथों में नबी थे, उन्होंने क्रूस के ऊपर पूरा पर्दा डाल दिया और शैतान के चलाए आज भी लोग ऐसा करना चाहते हैं। जो लोग क्रूस की घटना को ढांपना चाहते हैं, मैं गारंटीड कहता हूं वे सारे के सारे नरक के कंट्रोल में, शैतान के कंट्रोल में हैं, क्योंकि क्रूस की सच्ची घटना को छिपाने में शैतान ने आज भी एड़ी चोटी का जोर लगा रखा है कि ना तो लोगों को समझ में आनी चाहिए ये बात, और जो लोग समझते हैं वो किसी को बताने ना पाए। लेकिन मैं प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद करता हूं, उसके आत्मा का ऑरा जो मुझ पर रहता है वो मुझे हाईजैक होने नहीं देता है। शैतान मुझे हाईजैक नहीं कर सकता है और मैं जब तक जीऊंगा क्रूस की कथा का प्रचार करूंगा, क्रूस को चिल्ला चिल्ला करके बताऊंगा, मैं बोलता रहूंगा, मैं कहता रहूंगा, मैं बताता रहूंगा और नरक के फाटकों को बंद करता रहूंगा। बाय द नेम ऑफ जीसस, बाय द पावर ऑफ जीसस क्राइस्ट, बाय द पावर ऑफ रेस्टोरेटेड जीसस क्राइस्ट, पुनरुत्थित यीशु मसीह की सामर्थ्य के द्वारा से। मैं आपको बहुत गहरी और बेहतरीन बातें बता रहा हूं और मैं इस बात के लिए ये कहना चाहता हूं, यदि दुनिया में कोई भी पास्टर प्रचारक विश्वासी मेरी बातों का मुझे लेकर के अगर मुझे करेक्ट करना चाहता, मैं करेक्ट होने के लिए बिल्कुल तैयार हूं, लेकिन बिब्लिकल पैटर्न पर। अगर कोई करेक्शन नहीं है तो आप इसे रिसीव करें, आप इसे जिए। लिखा है कि इसके बाद यीशु ने यह जानकर, उसने सारी बातों का पता लगा लिया और जान लिया कि अब सब कुछ पूरा हो चुका है, कुछ बाकी नहीं बचा। आप और मैं भी इस बात की जानकारी ले लें, आप और मैं भी ऐसा ही करते हैं। अगर आपने कार खरीदी है लोन पे, मोटरसाइकिल खरीदी है लोन पे, आप जब लोन चुकाने जाते हैं, कुछ किश्तें देने के बाद आप उसको पूरा चुका देना चाहते हैं, तो आप वहां पे जाकर के उस विंडो पे उस रिसीवर से बोलते हैं कि कुछ बाकी बचा है क्या मेरे खाते में अभी भी, ताकि मुझे NOC मिल जाए, ताकि मुझे NOC नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट मिल जाए कि अब मैं लोन मुक्त हो चुका हूं, मुझे आपकी उधारी नहीं देनी है। एक विश्वासी को क्रूस की कथा पर, प्रभु यीशु मसीह के काम किए गए काम पर विश्वास करने से स्वर्ग से नो NOC मिलती है आपको, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। अब आप पर स्वर्ग की ओर से कोई भी न्याय लागू नहीं होता। अब आपके ऊपर ऐसा, आपको ऐसा सर्टिफिकेट मिल गया है कि नरक की कोई पकड़ आपके ऊपर नहीं है। अब आपको कुछ बाकी नहीं भरना है, पीढ़ियां गुजर जाएंगी, वो एजेंसी, वो कंपनी, वो बैंक आपके बच्चों के पास आपके बाद भी आकर के नहीं कहेगा कि 20 साल पहले आपके फादर साहब ने एक कार ली थी हमसे उधार लोन पे, उसके 100 रुपए बाकी बचे हैं। उसकी हिम्मत नहीं है वो आकर के बोल दे, क्योंकि उसको पता वो ऐसा बोलेगा तो वो झूठ बोलेगा, अगर वो ऐसा करेगा तो वो फ्रॉड करेगा, क्योंकि आपके फादर साहब ने अपने रहते रहते, अपने जिंदा रहते रहते ही पूरा लोन चुका दिया था। और जब तक पूरा लोन नहीं चुकाया जाएगा, NOC नहीं मिलेगी। NOC कोई बैंक नहीं है, कोई इतना उदार, कोई इतना धनवान नहीं है कि बिना लोन चुकाए आपको NOC दे दे। प्रभु यीशु मसीह की बातों पर विश्वास कीजिएगा आप। विश्वासियों, आप ठगे जाने से बच जाएंगे। आपको कौन ठगेगा? आपको सेवक ठगेंगे।
मैं आपको आगे जाकर के बहुत सारी बातें बताऊंगा जिससे आपका परमेश्वर इतना भला करेगा, आपका दिमाग खुल जाएगा और आपको भविष्य में इस काम के लिए किसी भी सहायक की जरूरत नहीं पड़ेगी। फिर लिखा है कि इसके बाद यीशु ने यह जानकर कि अब एट ए टाइम ऑन द स्पॉट राइट टाइम इट इज फिनिश्ड। अब आपको केवल शब्दों पर ध्यान देना है। यीशु ने यह नहीं कहा अपनी आत्मा में जान करके कि ठीक है मैं चला जाऊंगा, 40 दिन के बाद पवित्र आत्मा आएगा और तब उसके बाद सब कुछ पूरा हो जाएगा। नो, बिल्कुल नहीं कहा प्रभु यीशु मसीह ने ऐसा। उन्होंने कहा मेरे रहते रहते, मेरे जीते जी, मेरे सामने ही मैं सब कुछ कंप्लीट करके जाऊंगा, नथिंग लेफ्ट बिहाइंड। ये बात मुझे इतना खुश कर देती है कि कुछ बाकी नहीं बचा मेरे लिए करने को, मेरे उद्धार के लिए, मेरे पापों से, मेरे श्रापों से, मेरे पैतृक श्रापों से, मेरे बाप दादाओं के, मेरी पीढ़ियों के पूर्वज लोगों ने जो भी कुकर्म किए, ठट कर्म किए, गुनाह किए, पाप किए, उससे छुटकारा पाने के लिए मुझे यीशु मसीह के क्रूस पर विश्वास करने के अलावा दूसरा कोई काम करना नहीं पड़ा। कभी नहीं किया मैंने, विश्वास कीजिए आप। मैं अपनी लाइफ में 3 साल बिना पास्टर के रहा हूं, बिना किसी प्रचारक के रहा हूं, बिना क्रिश्चियन फेलोशिप के रहा हूं। मैं बहुत सारी बातें लोगों से सुनता हूं, तब अपने पास्ट को याद करके बोलता हूं कि प्रभु मैं तेरा बहुत निहायत शुक्रगुजार हूं कि मेरे पैदाइश के दिनों से तू मेरे साथ साथ रहा और तूने मुझे तब से लेकर के आज तक भटकने नहीं दिया। तब तो मैं कुछ भी नहीं जानता था, अब तो मैं बहुत कुछ जानता हूं। ये प्राउड नहीं है, और अगर ये प्राउड है तो मेरा प्राउड प्रभु यीशु मसीह है। प्रभु यीशु मसीह मेरा घमन है। अगर कोई मुझसे मेरे जीवन के बारे में पूछे, एक शब्द में बताइए प्रभु यीशु मसीह के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं, मैं फिर से कहूंगा ही इज माई प्राउड, वो मेरा घमन है। फिनिश। अब सब कुछ पूरा हो चुका होगा, नहीं मेरे प्रिय, हो चुका, सब कुछ पूरा हो चुका, इसलिए कि पवित्र शास्त्र में जो कहा गया था वो पूरा हो। कहा मैं प्यासा हूं, अब पवित्र शास्त्र की बात पूरी कर रहा प्रभु यीशु मसीह, पानी की बात करके प्यासा कह के अपने आप को। 29 वर्स, वहां सिरके से भरा हुआ एक बर्तन रखा था। सिरके का मतलब यहां पे वो मेडिसिन होती थी जो ऐसे लोगों को पिलाई जाती थी जिससे उनको दर्द फील ना हो। क्रूस पे चढ़ने वाले व्यक्ति को हाथों में कीले ठोक दी गई, पैरों में कीले ठोक दी गई, बुरी तरह से मारा गया, उसे पीड़ा, ये पेन किलर था। एक ये सिरका जो था उस टाइम पे एक पेन किलर का काम करता था, और प्रभु यीशु मसीह ने पेन किलर लेना ना चाहा, पेन को फील करना चाहा उसने, आपके दर्द को उसने महसूस किया, आपके दर्द को जिया है यीशु मसीह ने। आप उसके क्रूस के छुटकारे उद्धार को नहीं जी पा रहे, आपकी बंधवाई को यीशु मसीह ने जिया है। लिखा कि वो बांधा गया, हमारी बंधवाई को जिया प्रभु यीशु मसीह, जब हम पापों में बंधे हुए थे उसको क्रूस पर बांध दिया गया, जड़ दिया गया कीलों से आपके और मेरे लिए। अपनी वजह से नहीं मरा वो, वो याद रखिएगा मेरे प्रियजन, वो आपकी मौत मरा है, अपनी मौत नहीं मरा, अपनी मौत नहीं मरा वो, आपकी मौत मरा है। लिखा है कि वहां सिरके से भरा हुआ एक बर्तन रखा था, अतः उन्होंने सिरके में भिगोए हुए स्पंज को फोम जिसे कहते हैं, स्पंज को जूफे पर रखकर उसके मुंह से लगाया। जब यीशु ने वह सिरका लिया तो कहा पूरा हुआ, उसके होठों पे लगाया गया और उसने कहा पूरा हुआ, क्योंकि ये बातें पूरा होनी थी और उसने पूरी की सारी बातें। आखिरियत की बातें हैं ये, मैं आपको बता देना चाहता हूं, ये सारी बातें आखिरियत की बातें, क्रूस पर लटका हुआ है प्रभु यीशु मसीह, ये लास्ट बातें हैं, इसके बाद वो कुछ कहने नहीं आएगा। अब इसके बाद तो कलीसिया को समझना पड़ेगा, जो फाइलें बंद हो चुकी हैं उनको वापस क्यों खोलना। हर एक देश के कानून में ये वाली बात पाई जाती है, जब कोई गुनहगार मुजरिम मर जाता है उसकी फाइल बंद कर दी जाती है, या तो वो एनकाउंटर हो, या उसका पता ना लगे, या वो किसी प्रकार से डेथ हो, या फिर सरकार उसको फांसी में चढ़ा के मार डाले। किसी भी तरह से किसी गुनहगार की मौत हो जाती है तो उसकी फाइल क्लोज हो जाती है एवर लास्टिंग, क्योंकि वो व्यक्ति जिंदा नहीं है, अब उसकी फाइल नहीं खुलेगी। आपने जितनों ने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करके उसका बपतिस्मा लिया, जब प्रभु यीशु मसीह मरे उनका प्राण निकला, उसी दिन आपकी फाइल पाप की बंद हो गई थी। अब कोई भी भविष्यद्वक्ता, कोई भी नबी, कोई भी सेवक अगर आपको यह कहता है कि आपको प्रायश्चित करना पड़ेगा, आपको पश्चाताप करना पड़ेगा पैतृक लोगों के पापों का भी,
हो सकता है कि आज आपके हालात ठीक नहीं है, आज आप किसी प्रकार से गड़बड़ी में चल रहे हैं, फाइनेंशियली या फिजिकली या किसी भी प्रकार से। इसका अर्थ ये नहीं है कि वो पुराने पाप आपको सता रहे हैं, इसका अर्थ ये भी तो हो सकता है कि ये वो नई बातें हों जो मैंने खड़ी कर दी हैं। जैसा कि नीति वचन की किताब में लिखा है कि मनुष्य के कामों की वजह से उसके मार्ग आड़े टेढ़े तिरछे हो जाते हैं, उसके काम बिगड़ जाते हैं और वो मन ही मन परमेश्वर से चिढ़ने लगता है, परमेश्वर पर दोष देने लगता है, परमेश्वर की कमी निकालने लगता है, परमेश्वर की बुराई करने लगता है और ये बोलने लगता है कि प्रभु जी क्रूस पर आपसे मेरा पूरा छुटकारा नहीं हुआ था, इसलिए इस व्यक्ति के कहने से मुझे प्रायश्चित करना पड़ेगा, मेरे पापों का छुटकारा पाने के लिए मुझे ही पश्चाताप करना पड़ेगा, आपसे ये काम पूरा नहीं हुआ। इसका अर्थ तो ये हो गया। अगर कोई भी विश्वासी, कोई भी सेवक किसी बिलीवर को, किसी साधारण विश्वासी को जिसको पता नहीं है इस बात का ठीक से, और वो विश्वासी उसको ये कहता है कि आपको अपने पैतृक पश्चाताप करना पड़ेगा, तो यीशु मसीह ने क्या किया था फिर? वो क्यों फ्री में मारा गया? मुफ्त में मारा गया क्या यीशु मसीह? नहीं, यीशु मसीह कह रहे हैं कि पूरा हुआ, आपको समझना पड़ेगी बात, आपके उद्धार के लिए, आपके छुटकारे के लिए, आपकी आत्मा को नरक से बचाने के लिए, आपके पैतृक पापों को आपके ऊपर से हटाने मिटाने के लिए पूरी तरह से सारे काम पूरे किए। यीशु मसीह कहते हैं पूरा हुआ, उसके बाद उनकी डेथ हुई, उसके बाद लिखा कि उसने सिर झुकाकर प्राण त्याग दिए, मरने से पहले कन्फर्म करके गया है इट्स फिनिश्ड, सब कुछ भर दिया गया, अब कुछ बाकी नहीं बचा है। परमेश्वर का आत्मा आपके मेरी मदद कर रहा है, आप ठीक से समझ पा रहे हैं और मैं ठीक से समझा पा रहा हूं, मैं बिल्कुल अपनी आत्मा में इस बात को फील कर सकता हूं। मसीहों को खतरा बाहर से नहीं है, अंदर से ही है। मैंने जब से अपने होश में मैं आया हूं, बाइबल की बातों को मैंने पढ़ा, मैंने जब से क्रूसिफिकेशन को पढ़ा है, मैंने किसी को यह सलाह नहीं दी कि आपको अपने पैतृक और पूर्वजों के श्रापों का प्रायश्चित करना पड़ेगा, क्योंकि मैं जानता था कि वो लाइन उसी दिन कट गई थी जिस दिन इसने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया था, जिस दिन इसने इस बात को मान लिया था कि प्रभु यीशु मसीह मेरे पापों के लिए, मेरी खताओं के लिए, मेरे गुनाहों के लिए मारा गया है। अब तक जो कुछ मैंने किया है, मेरा निकम्मा चाल चलन जो बाप दादाओं के जमाने से चला आ रहा है, मेरा छुटकारा यीशु मसीह के लहू के द्वारा से आज हो जाता है। क्रूस पर से बहने वाले लहू से आपके लहू का रिश्ता जुड़ जाता है, वो जो पैतृक पीढ़ियों से चला आ रहा है वो कट जाता है। जैसे डॉक्टर करते हैं, सड़े हुए मांस को काट करके उसको अलग कर देते हैं शरीर से, ताकि पूरे शरीर में इन्फेक्शन ना फैलने पाए, पूरा शरीर बच जाए। प्रभु यीशु मसीह ने भी ऐसे ही किया। हमारा पैतृक जो चला आ रहा था, जो एक धारा हमारे साथ चली आ रही थी जीवन की, उसको यीशु मसीह ने क्रूस पर काट दिया। और अब जितने लोग उस पर विश्वास करते हैं कि मैं यकीन करता हूं कि मेरा पुराना सारा हिसाब किताब क्लियर कर दिया गया है, अब मैं मेरे बाप दादाओं के साथ, मैं उनका वंश तो कहलाता हूं लेकिन मैं उनके पापों उनके श्रापों में सहभागी नहीं हूं, मैं उनका वंश तो कहलाता हूं। जैसे पौलुस कहता कि हे भाइयों, तुम इस संसार में तो रहो लेकिन संसार के लोगों के साथ उनके अंधकार के कामों में शामिल मत हो। समझ में आ रही है आपको ये वाली बात? आ गई होगी। हम संसार में तो हैं, संसार के नहीं हैं। हम संसार में तो हैं, हमारे रिश्तेदार आज भी बहुत सारे ऐसे हैं जो अविश्वासी हैं, लेकिन जब वो अपना किसी भी प्रकार का कोई भी धार्मिक अनुष्ठान करते हैं, ना तो हम शामिल होते हैं और ना हम ये कहते कि आएंगे, और ये कह के गए नहीं, स्ट्रेट बोलते हैं हम आपके इस काम में शामिल नहीं होंगे, आप हमारे रिश्तेदार हैं, आपके सुख दुख में हम बराबर के सहभागी हैं लेकिन आपके इस काम में हम बिल्कुल शामिल नहीं होंगे। तुम अपने घर राजी, हम अपने घर राजी, तुम अपना कमा रहे खा रहे, हम अपना खा रहे। प्रभु का धन्यवाद कीजिए, आप अपनी जिंदगी जी रहे हैं, पड़ोसी की जिंदगी नहीं जी रहे, आप अपना जीवन जी रहे, रिश्तेदारों का जीवन नहीं जी रहे, तो फिर क्यों घबराना? जब वो हमसे नहीं डरते, हम सच्चाई को जानने वाले लोग घबरा जाते हैं, तो वो झूठ को जानने वाले लोग नहीं घबरा रहे? घबराना तो झूठ को जानने वालों को चाहिए, सत्य को जानने वालों को क्यों घबराना? कहते हैं कि झूठ के पैर ज्यादा लंबे नहीं होते, सच्चाई के पैर ज्यादा लंबे होते हैं। आज तक चल रही है, प्रभु यीशु ने कहा कि मार्ग सत्य और जीवन में ही हूं, आज तक यीशु मसीह और यीशु मसीह की सच्चाई जिंदा है। लिखा है कि पूरा हुआ, आपके लिए पूरा हो गया है, आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, पूरा हो गया है, आप बिल्कुल मत घबराइए। पद 30 वर्ष में लिखा है
यीशु ने वह सिरका लिया तो कहा पूरा हुआ और सिर झुकाकर प्राण त्याग दिए। पूरा हो चुका है, आपके लिए कुछ बाकी नहीं बचा। मैं आपको बड़े धीरज से समझाना चाहता हूं, जब आपने पहली बार प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया, यीशु मसीह के नाम से आपने अपने पाप धो डाले। आप पाप धो रहे थे, मतलब कहां चिपके थे वो पाप आपके? आपको कैसे पता लगा कि आप पापी हैं? कहां चिपके थे वो? आपकी आत्मा में, आपके ख्यालों में, आपके लेखे में। प्रभु यीशु मसीह ने सब कुछ पूरा कर दिया कि अब ये दोषी नहीं है, अब इस पर दंड की आज्ञा नहीं है। पूरा हुआ और आपको बहकने की जरूरत नहीं है, आपको बहकने की जरूरत नहीं है। कलीसिया के लोग, सीएमडी के लोग मुझे सुन रहे हैं, देख रहे हैं, बहुत सारे लोग अभी भी यहां पर नहीं है, बाद में शायद वो देखेंगे इसे यूट्यूब पर। और जो लोग मसीह, जो सीएमडी कलीसिया के मेंबर्स नहीं है, वो मेरा नंबर नोट कर लें, मोबाइल नंबर 9897179465। इससे संबंधित अगर कोई भी पास्टर प्रचारक आपको यह कहता कि आपको प्रायश्चित करना पड़ेगा, आप कॉन्फ्रेंस पे लेकर के मेरी एक बार उस व्यक्ति से बात करवा देना। मैं दुनिया के ऐसे पादरी प्रचारकों की ढूंढ में हूं जो लोगों को यह कहते हैं कि तुम्हें प्रायश्चित करना पड़ेगा। यीशु मसीह ने तो कर लिया, तुम्हें भी करना पड़ेगा। इसका मतलब क्या यीशु मसीह पूरा नहीं कर पाए? उनसे हुआ नहीं क्या जो मुझे भी करना पड़ेगा? एक काम दो लोगों को करना पड़े तो इसका मतलब है कि एक के बस की नहीं था। भोजन उठाना पड़ता कभी कभी, मान लीजिए कोई बड़ी भारी कोई ऐसी शतीर उठाना पड़े, एक आदमी बीच आगे लगता है, एक पीछे लगता है, दो लोग उसको उठा के चलते हैं। इसीलिए दो लोग लग रहे हैं क्योंकि उसको एक नहीं उठा सकता। लेकिन क्रूस पर का बोझ अकेले यीशु मसीह ने उठाया और कोई उसके बराबर योग्य और लायक भी नहीं था जो उसकी मदद कर पाता यहां पे हमारा हिसाब किताब क्लियर करने में। चौकस रहिएगा, आपको जितना खतरा बाहर से नहीं है, उससे ज्यादा खतरा आपको अंदर के विश्वासियों से है, उन सेवकों से है, खास करके जिन्हें अभी भी क्रूस की इस पहचान को, उनके पास अभी भी क्रूस की यह पहचान नहीं है। और नरक और शैतान ये चाहता है कि क्रूस पर किए गए यीशु मसीह के काम को ढांप दिया जाए। ये लोगों की नजर में बिल्कुल नहीं आना चाहिए, क्योंकि नरक जानता है कि जिस दिन इसको पता लग गया कि इसका हिसाब किताब पूरा हो गया है, ये छूट जाएगा, ये छूट जाएगा और ये आजाद हो जाएगा और ये कभी मेरे हाथ में नहीं आएगा। मेरे साथ निकालिए आप गॉस्पल ऑफ जॉन चैप्टर 1, योहन्ना का सुसमाचार पहला अध्याय। मैंने कहा था आपको कि हम इसे जल्दी पूरा नहीं कर पाएंगे, अभी मेरे पास थोड़ा समय और बाकी है, मैं 10 मिनट तक और आपके साथ हूं। पहला योहन्ना की इंजील पहला अध्याय उसका 29वां पद, गॉस्पल ऑफ जॉन चैप्टर 1 वर्स 29। जॉन द बैप्टिस्ट, योहन्ना बपतिस्मा देने वाला और योहन्ना सुसमाचार का लिखने वाला, दोनों अलग अलग हैं, याद रखिएगा आप। जॉन द बैप्टिस्ट जो इस वाली बात को बता रहा है वो, और जिसकी किताब में ये बात लिखी है वो, दोनों अलग अलग हैं, ये योहन्ना, ठीक है। तो ये लिखा है परमेश्वर का मेमना, लैम्ब ऑफ गॉड, गीत गाते हैं ना, यीशु परमेश्वर का मेमना, ये वही है, लैम्ब ऑफ गॉड। 29वें पद में लिखा कि दूसरे दिन उसने, यानी कि जॉन द बैप्टिस्ट, योहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने, यीशु को अपनी ओर आते देखा, देखकर कहा चेलों से जो उसके साथ थे, प्रभु यीशु मसीह के जितने भी चेले थे ये पहले योहन्ना के चेले थे, ये योहन्ना के साथ रहते थे, योहन्ना के पास थे, जब योहन्ना इनके साथ खड़ा था तो यीशु मसीह उधर से आ रहे थे, जैसे आप और मैं किसी को देख करके उधर से आकर के अपने साथ वाले से बोले देखो वो आ रहा फलाना, जैसे यूसुफ के भाइयों ने यूसुफ को दूर से देखा और आपस में बोला कि देखो स्वप्न देखने वाला आ रहा है, ऐसे कह के योहन्ना ने टुनका करके नहीं, योहन्ना ने तो बिल्कुल शुद्ध हृदय से खरी बात कही थी, शायद चेले समझ नहीं पाए। आज भी जो क्रूस पर प्रभु यीशु मसीह ने किया है, हो सकता है कि बाइबल के पढ़ने वाले ही नहीं समझ पाए, इसीलिए ये बाइबल के पढ़ने वाले किसी विश्वासी को कह देते हैं कि तुम्हें तुम्हारे पैतृक पापों का प्रायश्चित करना पड़ेगा, अपने पूर्वजों का भी। बिल्कुल गलत शिक्षा है, ये बाइबल के खिलाफ है और ये घोर पाप है, और ये व्यक्ति इस बात का भागीदार है कि क्रूस की कथा को ढांप दिया जाए। वैसे ही जॉन द बैप्टिस्ट कहते हैं, दूसरे दिन उसने यीशु को अपनी ओर आते देखकर कहा, देखो ये परमेश्वर का मेमना है जो जगत के पापों पाप उठा ले जाता है। ये परमेश्वर का मेमना है जो जगत के पापों को उठा ले जाएगा, उठाकर ले जाएगा, इस पर लाद दिए जाएंगे तभी तो उठाएगा।
इसका मतलब उसने ये कह दिया था कि सबके पाप इस पर लाद दिए जाएंगे। ये नई बात नहीं हो रही थी यहां पे, ये भी मोस्टली यहूदी थे सारे डिसाइपल्स, ये जानते थे कि आइजाया चैप्टर 53 में ऐसा है, यहां लिखा है। दूसरे दिन उसने यीशु को अपनी ओर आते देख करके कहा, देखो यह परमेश्वर का मेमना है जो जगत के पाप उठा ले जाता है। जो उठाकर ले गया आपके पास उठाने के लिए, अब क्या बाकी बच गया? मेरे प्रिय भाई बहन, मेरे संगी विश्वासी, क्या बाकी बचा आपके पास? कौन कह रहा आपको कि अब आपको उठाना पड़ेगा पापों का बोझ? आप सफल नहीं है, आपके पास किसी प्रकार से चिंता, फिक्र है, टेंशन है, रोग है, बीमारी है, इसकी वजह से कह रहा है क्या? नहीं, ये गलत है। ये वाली तकलीफ हो सकता किसी और कारण से हो, इस परेशानी की वजह कोई और हो सकती है, लेकिन आपके पैतृक श्राप नहीं है, वो तो कटकर खत्म हुए, उनका तो हिसाब किताब यीशु मसीह ने क्लियर कर दिया। ये कोई नई अड़चन हो सकती है जो हो सकता व्यक्ति ने खुद खड़ी की हो, या हो सकता किसी और ने खड़ी कर दी हो उसके जीवन में। मैंने बताया आपको नीति उचित की किताब में लिखा है, अपनी गलतियों की वजह से आदमी के मार्ग टेढ़े हो जाते हैं, अपने कुराफात की वजह से आदमी उलझन में फंस जाता है, और फिर मन ही मन परमेश्वर से चिढ़ने लगता है, परमेश्वर पर दोष देता है, परमेश्वर को भला बुरा कहता है, और यह भी कहने से नहीं चूकता कि प्रभु आपसे मेरा उद्धार नहीं हुआ। आप तो सोच ही रहे हैं, आपको सिखाने वाले भी जिंदा हैं अभी ये वाली बात कि हां आपको करना तो पड़ेगा पैतृक पापों से प्रायश्चित। अब जैसा गुरु वैसा चेला, और दोनों नरक में ठेलम ठेला। पंडित नारायण वामन तिलक जी ने कही थी ये वाली बात, प्रभु यीशु, यहां लिखा है 35वें पद में, इसके एक अध्याय के 35 पद क्या लिखा है। दूसरे दिन फिर योहन्ना और उसके चेलों में से दो जन खड़े हुए थे, और उसने यीशु पर जो जा रहा था दृष्टि करके कहा, देखो यह परमेश्वर का मेमना है, यह परमेश्वर का मेमना है जगत के पाप उठा ले जाता है। यह परमेश्वर का मेमना जगत के पाप उठा ले जाता है। जब उस मेमने ने उठाई लिए तो फिर बचा क्या बाकी? बड़े निहायत दुख की बात है मेरे जैसे व्यक्ति के लिए ये, कि साधारण लोगों को बहकाया जाए, उनको भटकाया जाए, उनको गलत मार्ग दिखाया जाए। अगर आपको कुछ नहीं आता है तो आप चुप रहिए, मत बताइए, आप बोलिए मैं इसके बारे में नहीं जानता हूं, किसी और से पूछ लीजिए। गलत शिक्षा देने से ज्यादा अच्छा है चुप हो जाना, गलत बात बोलने से ज्यादा अच्छा है चुप हो जाना। मेरे साथ निकालिए आप लेवे व्यवस्था 16 अध्याय है, अभी 10 मिनट का, 7-8 मिनट का टाइम अभी है। लेविटिक्स चैप्टर 16, लेवे व्यवस्था 16 अध्याय। चलिए प्रभु का धन्यवाद, मेरा तो वही निकल गया पहले ही। लेविटिक्स 16 अध्याय 5 पद से 10 पद तक मैं पढ़ रहा हूं, आप सुनिए। लेवे व्यवस्था, उत्पत्ति, निर्गमन, लेवे व्यवस्था। लेविटिक्स जेनेसिस, नंबर्स लेविटिक्स। लेवे व्यवस्था 16 अध्याय 5 पद से 10 पद तक मैं पढ़ रहा हूं, आप सुनिए। इसका हेडिंग है प्रायश्चित का दिन। वो दिन जब प्रायश्चित कर लिया गया, जब प्रायश्चित एक बार कर लिया गया तो बार बार क्यों करना है कि बात का प्रायश्चित, किसी और बात का करेंगे। अब अगर हमने एक व्यक्ति का कर्जा दे दिया है तो दे दिया है, बार बार उसको क्यों चुकाएंगे? बार बार फिर अब तो हम किसी दूसरे का देंगे ना। 5 से 10 में लिखा है, फिर वह इसराइलियों की मंडली के पास से पाप बलि के 2 बकरे और होम बलि के 1-1 मेढ़ा ले। यहोवा परमेश्वर मूसा से कह रहा है कि अपने भाई हारून को यह बात कह देना कि मंडली का प्रायश्चित करने के लिए 2 बकरों की जरूरत पड़ेगी, 1 से काम नहीं चल रहा, 2 चाहिए पड़ेंगे। खुदा बाप का शुक्र करते हैं कि एक ही व्यक्ति यीशु मसीह ने 2 बकरों की कमी पूरी कर दी। बेहतरीन बात आपको समझा रहा हूं मैं। लिखा है कि फिर वह इसराइलियों की मंडली के पास से पाप बलि के लिए, उनके पापों से उनको छुड़ाने के लिए, उनके पापों से उनको शुद्ध करने के लिए, उन्हीं के पास से चढ़ावा लेना पड़ेगा। प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस पर आपका हिसाब चुकाने के लिए आपसे 1 रुपया मांगा? नहीं मांगा होगा।
यीशु मसीह ने किसी से चढ़ावा नहीं लिया, किसी से यीशु मसीह ने नहीं कहा कि मुझे पहले टाइथ दो तब मैं छुटकारा दूंगा, पहले ऑफरिंग भेजो तब काम करूंगा, बिल्कुल नहीं। फ्री ऑफ कॉस्ट, वो धनाढ्य है, धनवान है, उसके पास किस बात की कमी है। कंगाल मांगेंगे, पहले दे देना फिर ले लेना। अन्य जातीय लोग ऐसे ही करते हैं, तकलीफ में होते हैं, परेशानी में होते हैं, पीड़ित होते हैं, किसी ज्योतिषी पंडित और मौलवी के पास जाते हैं अपनी चिंता अपनी फिक्र अपने दुख से छुटकारा पाने के लिए, और वो इतने महारथी हैं कि उनको हजारों रुपए की लिस्ट पकड़ा देते हैं कि तू दुखी तो है ही है, ले अब ये वाला दुख भी झेल, ये सारा सामान लेकर के आना तब मैं तेरा निवारण करूंगा। प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद, जब मैं अपने पापों से दबा लदा हुआ उसके पास गया, उसने मुझसे कोई छुटकारे के लिए बदले में कुछ नहीं मांगा। आप में से कुछ लोग होंगे जिन्होंने ये वाली किताब पढ़ी होगी, मसीह मुसाफिर। मैंने पढ़ी है साहब, कहीं से मिल जाए तो इसको अरेंज कीजिएगा आप, आपकी दिशा और दशा बदल देगी ये किताब, आपको बेहतरीन बात सिखाएगी ये किताब, मसीह मुसाफिर। इंग्लिश में से कहते हैं, क्या कहते हैं, पिलग्रिम्स प्रोग्रेस। इसमें दुष्ट आत्माएं भी थी, इस आदमी को बहकाने के लिए, गलत रास्ते पे ले जाने के लिए। इसमें पवित्र आत्माएं भी थी, सेवा टहल करने वाली आत्माएं, जो उसका सही मार्गदर्शन करती थी कि क्रूस इधर है, क्रूस पर तेरा छुटकारा होगा। उससे उसको क्रूस पर जाने से रोकने के लिए बहुत सारी रुकावटें थी। यहां लिखा है साफ शब्दों में ऐसा, फिर वह इसराइलियों की मंडली के पास से पाप बलि के दो बकरे ले, बकरे और होम बलि के लिए एक मेढ़ा ले, और हारून उस पाप बलि के बछड़े को जो उसी के लिए होगा चढ़ाकर अपने और अपने घराने के लिए प्रायश्चित करे। पहले अपने लिए प्रायश्चित करेगा, मंडली के लिए बाद में होगा। प्रभु यीशु मसीह को अपने लिए प्रायश्चित करने की जरूरत नहीं पड़ी। दुनिया के हर संत ने, दुनिया के हर एक विद्वान ज्ञानी व्यक्ति ने अपने पापों का अंगीकार किया है, हर एक व्यक्ति ने प्रायश्चित किया है अपने पापों का यीशु को छोड़ करके, हर एक ने गुनाहों की तौबा की है। मैं गवाह हूं, मैंने किताबों में पढ़ा है बड़े बड़े नबियों को, एक्सेप्ट जीसस क्राइस्ट, बिकॉज ही वॉज दी कंप्लीटली टोटली इनोसेंट, ही वॉज दी ब्लेमलेस। रोग से उसकी जान पहचान थी, पाप से अनजान था। आपकी पीड़ाओं को महसूस करता, आपके दुख को महसूस करता है, आपकी चिंताओं फिक्रों को महसूस करता, उसे पता है आपकी पीड़ाओं के बारे में, लेकिन वो पाप से अनजान था, नहीं जानता था किस चिड़िया का नाम है। लेकिन परमेश्वर ने हम सबके लिए उसी को पाप ठहरा दिया, हम सबके पाप लाद दिए। देखिए साहब, यहां लिखा है सातवीं आयत में, लेवी व्यवस्था 16 अध्याय के, लेवी व्यवस्था 16 अध्याय के 7 पद में लिखा है कि और उन दोनों बकरों को लेकर मिलाप वाले तंबू के द्वार पर यहोवा के सामने खड़ा करे, और हारून दोनों बकरों पर चिट्ठियां डाले, एक चिट्ठी यहोवा के लिए और दूसरी अजाजेल। ये इब्रानी भाषा का शब्द है अजाजेल। अजाजेल का मतलब होता है उठाकर ले जाना, उठाकर ले जाना, टूट पड़ना, जिसका अर्थ है दूर ले जाना, ले जाना दूर। जैसा कि हम पढ़ के आए योहन्ना 1:29 में, योहन्ना कहता है कि देखो परमेश्वर का मेमना जो जगत के पाप उठा ले जाता है। ये कोई नई बात नहीं थी, पुरानी बात वो बता रहा था कि यही है राइट लैम्ब ऑफ गॉड, ही विल टुक योर सेंस फॉर एवर, हमेशा के लिए तुम्हारे पापों को अपने ऊपर उठा लेगा, और उन पापों के बाप में भी ताकत नहीं है कि उसके पास से उतर करके आपके पास आ जाएं। वो शरापों में बिल्कुल ताकत नहीं है जो वापस आपको फॉलो करने लगे। आपके और मेरे किए हुए कामों पर शक किया जा सकता है, यीशु मसीह के कामों पर शक नहीं किया जा सकता। और जितने सेवक बिलीवर्स को यह सिखा रहे हैं कि आपको अभी भी बपतिस्मा पाने के बाद, नया जन्म पाने के बाद, बाइबल पढ़ने के बाद, प्रभु यीशु को उद्धारकर्ता स्वीकार करने के बाद, क्रूस की कथा को स्वीकार कर लेने के बाद, आपको अब भी अपने पैतृक पुश्तैनी पापों का प्रायश्चित करने की आवश्यकता है। यह टोटली नरकीय बात है। मेरा नंबर आप लोगों के पास है, मुझसे बात कर सकता है वर्ल्ड वाइड लेवल पे कोई भी व्यक्ति जो बाइबल का पढ़ने वाला विद्वान ज्ञानी हो। 8वीं आयत, और हारून दोनों बकरों पर चिट्ठियां डाले, एक चिट्ठी यहोवा के लिए और दूसरी अजाजेल के लिए हो, और जिस बकरे पर यहोवा के नाम की चिट्ठी निकले उसको हारून पाप बलि के लिए चढ़ा दे, परंतु जिस बकरे पर अजाजेल के लिए चिट्ठी निकले वह यहोवा के सामने जीवित खड़ा किया जाए, जिंदा खड़ा किया जाए कि उससे प्रायश्चित किया जाए, और वह अजाजेल के लिए जंगल में छोड़ा जाए। प्रभु यीशु मसीह ने दोनों काम किए,
40 डेज फास्टिंग में जंगल में गया, पापों को उठा करके ले गया ना आपके, और दूसरा वाला बकरा परमेश्वर यहोवा के सामने खड़ा हुआ, उसने प्राश्चित किया, पश्चाताप किया और क्रूस पर अपने आपको मरने के लिए दे दिया। क्या सोचते हैं आप? कोई सवाल हो तो मेरा नंबर आपके पास है, याद कर लीजिएगा, जरूर कीजिएगा। आप कमेंट बॉक्स में हालेलुया प्रेज द लॉर्ड ही लिखते रहते हैं एक दूसरे को, मैसेज ने क्या बताया आपको, क्या सिखाया, आप क्या कहना चाहते हैं, क्या फील कर रहे हैं, कोई कमेंट आपका नहीं आता, आना चाहिए ये भी कमेंट आपका। आप अपनी प्रार्थनाओं के विषय बताइए हमें, आपने जो प्रार्थनाओं के उत्तर पा लिए हैं उसका धन्यवाद का विषय आप लिख के भेजिए, ताकि हम उस बात को जान सके कि परमेश्वर इन प्रार्थनाओं और प्रयासों को सफलता दे रहा है। शिक्षा को ध्यान से सुनिएगा, एक दूसरे को ही बस ग्रीटिंग्स मत लिखते रहिए। मेरे साथ निकालिए 20 पद से लेकर के 22 पद तक, इसी का लेवे व्यवस्था 16 अध्याय 20 से 22। प्राश्चित का बकरा, जब वह पवित्र स्थान और मिलाप वाले तंबू और वेदी के लिए प्राश्चित कर चुके, तब जीवित बकरे को आगे ले आए, और हारून अपने दोनों हाथों को जीवित बकरे पर रखकर इसराइलियों के सब अधर्म के कामों और उनके सब अपराधों अर्थात उनके सारे पापों को अंगीकार करे, याजक अंगीकार करे। प्रभु यीशु मसीह खुद ही याजक था, खुद ही बलि था, खुद ही बलिदान था। तेरी कुदरत की यह शान, खुद ही दाता खुद ही दान। और हारून अपने दोनों हाथों को जीवित बकरे पर रखकर इसराइलियों के सब अधर्म के कामों और उनके सब अपराधों अर्थात उनके सारे पापों को अंगीकार करे, और उनको बकरे के सिर पर धरकर उसको किसी मनुष्य के हाथ, मनुष्य के हाथ, पवित्र आत्मा जो कि मनुष्य के समान प्रभु यीशु मसीह को लेकर के निर्जल प्रदेश में गया, होली स्पिरिट ने ले जाकर के उसको वहां पर छोड़ा। आ रही आपको बात समझ में? बाइबल की लिखा है कि किसी मनुष्य के हाथ उसको, मनुष्य के हाथ उसको जिस काम के लिए तैयार हो जंगल में भेज के छुड़वा दे उसको। वह बकरा उनके सब अधर्म के कामों को अपने ऊपर लिए हुए, लादे हुए किसी निर्जन स्थान में उठा ले जाएगा। और प्रभु यीशु मसीह निर्जन स्थान में ही गए थे, जंगल में नहीं। जंगल में घास होती है, पेड़ पौधे होते हैं, फल फ्रूट होते हैं, नदी नाले होते हैं, तालाब होते हैं, कीड़े मकोड़े कीट पतंगे होते हैं। निर्जन स्थान का मतलब होता है जहां जन यानी कि जीव नहीं रह सकता, ना पेड़ पौधे वनस्पति, ना कीड़े मकोड़े, ना इंसान, निर्जन, लाइफलेस, रेगिस्तान जिसे कहते हैं, जहां एक झाड़ी तक नहीं थी यीशु मसीह के सहारा देने के लिए। समझ रहे हैं आप इस बात को? बहुत बढ़िया बात, बढ़िया बात आपके पास पहुंच रही है। गॉस्पल ऑफ जॉन चैप्टर 19 वर्स 30, यीशु मसीह ने कहा सब कुछ पूरा हुआ, नथिंग लेफ्ट बिहाइंड। कुछ आपके करने के लिए तो नहीं है। अगर आपको दुनिया का कोई भी पास्टर प्रचारक, कोई भी विश्वासी आपको यह सलाह देता है कि आपको पैतृक पापों का प्रायश्चित करना पड़ेगा, आप एक बार मुझसे जरूर बात कीजिएगा, प्लीज आप मिस कॉल कीजिएगा, मैं फोन करूंगा आपके पास, मैं आपके पास फोन करूंगा, मैं आपको बैठ करके समझाऊंगा जितने भी समय लगे मुझे, क्योंकि मेरा यही काम है। बस मेरा काम है परत दर परत पर्दे हटाना गलत चीजों पर से। प्रोटेस्टेंट कहलाते हैं हम लोग, विरोधी गलत बातों के, प्रोटेस्टेंट विरोध करने वाले, दकियानूसी बातों का, कुरीतियों का विरोध करने वाले। मत्ती की किताब 4 अध्याय पहला पद, गॉस्पल ऑफ मैथ्यू चैप्टर 4 वर्स 1। मैं बिल्कुल जल्दी में नहीं हूं, मैं इस आयत के बाद इसको यहीं समाप्त कर दूंगा अभी। तब आत्मा यीशु को जंगल में ले गया ताकि इबलीस से उसकी परीक्षा हो। आत्मा उसको जंगल में ले गया, जंगल गलत ट्रांसलेशन है, सही ट्रांसलेशन है निर्जन स्थान में, लाइफलेस प्लेस, वनस्पति नहीं, कीट पतंगा नहीं, किसी प्रकार का कोई जीव जीवन वहां पे नहीं था, एक्सेप्ट क्राइस्ट। प्रभु यीशु मसीह ने वहां पे सब कुछ झेला। उस वाले बकरे का रोल अदा किया उन्होंने पहले, जो प्राश्चित करेगा। प्रभु यीशु मसीह ने अपने पापों का प्रायश्चित नहीं किया, अपने पापों का अंगीकार नहीं किया, हमारे पापों का अंगीकार किया, हमारे पापों का प्रायश्चित कर रहा था वो वहां पे। मैं बड़े बड़े गुरुओं से मिला हूं, नामदान लेने वालों से भी, राधा स्वामी निरंकारी में मैं भी गया हूं, बड़े बड़े लोगों से मिला हूं, किसी का भी नाम बोल सकता हूं यहां से मैं, और सही सबूत के साथ। वो कहते हैं कि नाम ले लो, गुरु धारण कर लो, तुम्हारे पाप क्षमा किए जाएंगे।
मेरा कहने का अर्थ यह है कि गुरु जी ने भी नाम दान दिया कि हाँ, इसका मतलब गुरु जी ने भी अपने पापों को अंगीकार किया कि इसका मतलब गुरु ने भी पाप किया कि हाँ, इसका मतलब यह है कि प्रभु यीशु मसीह ने नाम दान नहीं लिया, प्रभु यीशु मसीह ने गुरु धारण नहीं किया, उसने अपने पापों का प्रायश्चित नहीं किया, हमारे पापों का प्रायश्चित किया, प्रभु यीशु ने बपतिस्मा लिया और ये वाली बात पूरी हुई कि वो पापियों के लेखे में गिना गया। प्रभु यीशु जंगल में वो 40 दिन हमारे पापों का प्रायश्चित नहीं कर रहा था, अपने पापों का प्रायश्चित नहीं कर रहा था, अपने पापों का प्रायश्चित कर रहा था। एक मनुष्य जो इस बकरे को वहां ले जाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा, उसको वहां छोड़ करके आएगा और आकर के वो डायरेक्ट छावनी में नहीं मिल जाता था, वो काफी कुछ समय तक छावनी के बाहर रहता था, अपने आप को शुद्ध करता था, प्रायश्चित करता था। इसीलिए पवित्र आत्मा को यह काम दिया गया और पवित्र आत्मा को भी अपने आप को शुद्ध करने की जरूरत नहीं थी, बिकॉज ऑलरेडी ही इज अ होली स्पिरिट, वो पहले से ही पवित्र आत्मा है। प्रभु यीशु मसीह ने आपके लिए दोनों बकरों का रोल अदा किया है, अब क्या अदा करना बाकी रह गया? साधारण सी बात आपको समझ में आ जाएगी, अगर आपके 100 रुपए किसी ने दे दिए हैं जो आपको देने थे, अब आप क्यों दोगे? दोगे उस आदमी को 100 रुपए? आप बिल्कुल नहीं दोगे, आप बोलोगे दे दिए, चुका दिए। आपको समझ में आ जाना चाहिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि सब कुछ पूरा हुआ, कुछ बाकी नहीं बचा, नथिंग लेफ्ट बिहाइंड। पवित्र आत्मा आप लोगों की मदद करें, आपकी सहायता करें कि आप इस बात को पूरी तरह से अपने अंदर जड़ पकड़ने दें, ताकि ये बात आपके अंदर ऐसा फल उत्पन्न करे जिससे आपकी आत्मिक उन्नति हो और परमेश्वर को महिमा मिले। प्रभु यीशु मसीह मैं आपका धन्यवाद देता हूँ इस समय के लिए जो आपने दिया, और आपके इन लोगों में प्रभु जो प्रयास किया गया इसको सफलता देना, और प्रभु यीशु मसीह अनुग्रह देना कि कलीसिया जान जाए कि जो आपने किया है उसके बाद कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, बस जो कुछ आपने किया है उसका विश्वास करे, उसमें जिए और उसमें आगे बढ़े। प्रभु यीशु जो आपने इनको करने के लिए कहा है ये वो करें, जो आपने करने के लिए नहीं कहा ये उसको बिल्कुल ना करें, अनुग्रह दें आप इनको। प्रभु यीशु के नाम से पिता इस प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड एंड शालोम ऑन यू।